हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू द टर्बो रिवीजन ऑफ नवंबर 24 सी फाइनल डीटी सब्जेक्ट। आज हमारा टारगेट है कि हम डीटी डबल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट एंड एडवांस रूलिंग का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और कॉन्सेप्चुअली करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको मेरी हार्ड कॉपी परचेज करनी है नोट्स की तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जो है अपनी पर्सनलाइज बुक ऑर्डर कर सकते हो। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई डीटी डब्ल्यू का मतलब क्या है। उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अपन ने ये पढ़ रखा है कि अगर आप इंडिया के क्या हो, रेसिडेंट हो, अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं रोहन हूँ, मैंने यूएसए में कोई रेंट की इनकम कमाई है, तो सीधी सी बात है कि जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट मुझे क्या बोलेगी कि भाई आप हमारे बच्चे हो, आप क्या करोगे, आप जो है ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल रोहन ने क्या करा था, 1 लाख रुपए की जो है रेंट इनकम कमाई थी, कहाँ पर, यूएसए के अंदर। अच्छा, रोहन ने क्या करा, इस 1 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स पे करा इंडिया में। क्यों टैक्स पे करा, क्योंकि इंडिया का लॉ क्या कहता है कि अगर आप क्या हो, हमारी कंट्री के रेसिडेंट हो, तो आपको जो है ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह से यूएसए वाली जो कंट्री है, यूएसए वाली कंट्री बोलती है कि भाई देखो आपने जो है ये 1 लाख रुपए की इनकम हमारी कंट्री से कमाई है, मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको उधर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली जहां से अपन इनकम कमाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोर्स। ये है कि भाई ये इनकम का सोर्स क्या है, तो मैंने रेंट की इनकम कहाँ से कमाई, यूएसए से कमाई। ठीक है, तो यूएसए वाली गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि भाई आपने इनकम यूएसए से कमाई है, तो हम क्या करेंगे, आपसे टैक्स लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट मुझे ये कहती है कि भाई आप क्या हमारे रेसिडेंट हो, तो हम टैक्स लेंगे। अब मैं रोहन था, मैं बोला, मैं जो है सरकार के पास पहुंचा, मैं सरकार को बोला त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी एक इनकम पे जो है यूएसए वाले टैक्स ले रहे हैं और फिर आप टैक्स ले रहे हो, तो कुछ तो रिलीफ दो, ये तो गलत बात है, एक इनकम पे दो दो बार टैक्स लग रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई चलो हम क्या करते हैं, यूएसए वाली गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, यूएसए वाली गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसका नाम होगा डीटीडब्ल्यू, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या डिफाइंड होगा कि भाई एक इनकम को एक ही बार टैक्स करा जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अग्रीमेंट में ये लिखा हो सकता है कि भाई ये जो यूएसए वाली गवर्नमेंट है, यूएसए वाली गवर्नमेंट क्या करेगी, इस इनकम पे टैक्स नहीं लेगी, इस इनकम पे टैक्स कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट लेगी। तो एक तरह का अग्रीमेंट ये हो सकता है। अच्छा, डिटेल में एक और चीज हो सकती है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट यूएसए के साथ एक अग्रीमेंट कर ले कि भाई यूएसए वाली गवर्नमेंट को कहे कि भाई ठीक है आप जो है इस अमाउंट पे टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट रेसिडेंट को क्या करेगी, जितने अमाउंट का टैक्स उसने क्या करा है यूएस में पे करा है, उसका इधर उसको क्रेडिट दे देगी। इसका मतलब क्या है कि भाई इंडिया में उसको इतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा। आपको डीटीडब्ल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, एक होता है सोर्स रूल। सोर्स रूल मुझे क्या कहता है कि भाई इनकम इज टू बी टैक्स इन द कंट्री इन विच इट ओरिजिनेट्स। इधर से आप इनकम कमा रहे हो, उधर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव वेदर द इनकम अक्रूज टू आर और एनआर। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इंडिया में बैठ के आपने क्या करी है, इनकम कमाई है, तो अपन को पता है कि भाई इंडिया में अगर आप क्या करते हो, इनकम को अक्रू अराइज करते हो, तो रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। किस बेसिस पे करना पड़ता है, सोर्स रूल के बेसिस पे करना पड़ता है। और सोर्स रूल मुझे क्या बताता है, जहां पर भी आप इनकम कमाते हो उधर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक होता है रेसिडेंस रूल। रेसिडेंस रूल मुझे ये कहता है कि भाई जो कंट्री के आप रेसिडेंट हो उसको वो क्या करेगी, बेसिकली आपकी इनकम पे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो देखो, पावर टू टैक्स शुड रेस्ट विद द कंट्री इन विच द टैक्स पे रिसाइड्स। अब ऊपर की हेडिंग पढ़ो, जब एक टैक्स पे रेसिडेंट है इन वन कंट्री, लेकिन उसकी क्या है, इनकम है दूसरी कंट्री में, ठीक है, सो हैज अ सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन अनदर कंट्री, इट गिव राइज टू द पॉसिबल डबल टैक्सेशन बिकॉज ऑफ द बिलो टू रूल्स। तो अपन ने देख लिया भाई दो रूल्स की वजह से किस तरह से डबल टैक्सेशन होता है। यूएसए वाली गवर्नमेंट बोले कि भाई आपने इनकम कमाई है यूएसए से, तो टैक्स पे करो। इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप इंडिया के क्या हो, रेसिडेंट हो, तो टैक्स पे करो। तो जो है एसएससी, कहाँ पहुंचा, सरकार के पास पहुंचा और त्राहिमाम करने लग गया। तो उस केस में सरकार ने क्या कहा कि भाई ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, रिलीफ देंगे। तो देखो, रिलीफ दो तरह की होती है, एक होती है बायलेटरल और एक होती है यूनिलेटरल। बायलेटरल का मतलब क्या है कि भाई हमने अग्रीमेंट कर रखा है सामने वाली कंट्री के साथ, तो मतलब डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा है, तो डीटीडब्ल्यू में भी एंटर्ड इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो मैंने आपको बताया कि भाई एक कंट्री क्या करेगी, इस इनकम को एग्जम्प्ट कर देगी। तो हमने कहा यूएसए वाली बोलेगी, यूएसए वाली कंट्री क्या बोलेगी कि भाई ठीक है हम क्या करते हैं, इस इनकम पे टैक्स नहीं लेते हैं, इस इनकम पे टैक्स कौन लेगा, इंडियन गवर्नमेंट लेगी। दूसरा तरीका होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि भी जितना भी टैक्स आपने दूसरी कंट्री में पे करा है, उसका क्रेडिट आपको जो है इंडिया में दे दिया जाएगा। तो इनकम इज टैक्सेबल इन बोथ द कंट्रीज एज पर द रिस्पेक्टिव टैक्स लॉस, लेकिन जिस कंट्री के आप रेसिडेंट हो वो आपको क्या करेगी, जितना टैक्स आपने दूसरी कंट्री में पे करा है, उसका क्रेडिट अलाउ कर देगी। फिर आपने एक चीज समझ रखी है कि जब भी डीटीडब्ल्यू एंटर कर दिया जाता है, तो प्रोविजंस ऑफ डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स व्हिचएवर इज बेनिफिशियल टू द एसएससी अप्लाई होते हैं। इतनी कहानी समझ में आती है आपको, लेकिन आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये रोहन है, ठीक है, ये रोहन बंद करके बंदा है, ये इंडिया में रहता है और ये यूएसए है। अच्छा, यूएसए में बंदा जॉन रहता है, ठीक है, अपन अज्यूम करो क्या है, यूएसए में बंदा जॉन है। अच्छा, जॉन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, यूएसए में टैक्सेबल हो रही है, जॉन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, यूएसए में टैक्सेबल हो रही है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में क्या हो गया, डीटीडब्ल्यू हो गया। और डीटीडब्ल्यू क्या कहता है कि भाई इस इनकम पे जो जॉन ने इनकम कमाई है, उस इनकम पे यूएसए वाली सरकार टैक्स नहीं लेगी, कौन टैक्स लेगा, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो सरकार ये कहती है कि भाई ठीक है हम आपको डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट देंगे, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आप क्या हो, यूएसए के रेसिडेंट हो। तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। तो देखो क्या दे रखा है, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन फॉर क्लेमिंग द
DTW बेनिफिट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर आप DTW का बेनिफिट लेना चाहते हो तो जिस भी कंट्री के साथ हमने DTW कर रखा है उसका आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अच्छा, आपने पढ़ रखा होगा कि गार विल हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट व्हेन द डिटेल आर मिसयूज्ड टू अवॉइड टैक्स। तो अपन ने गार का रिवीजन कर रखा है, अगर आपने गार का रिवीजन चेक नहीं कराया, चेकआउट नहीं कराया, तो आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह मैंने एक घंटे में समझाया है। तो अगर आपने डिटेल के प्रोविजन को मिसयूज कराया तो गार अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जहां पर डिटेल एंटर कर दिया जाता है प्रोविजन ऑफ डिटेल और इनकम टैक्स एक्ट विच आर इज बेनिफिशियल लग जाएंगे किस पे, एक एसएससी पे। अब देखो क्या दे रखा है, स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ डीटीडब्ल्यू विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हमने सामने वाली कंट्री के साथ अग्रीमेंट कर लिया, इसका मतलब यह है कि भी जो डीटीडब्ल्यू में लिखा होगा, जो डीटीडब्ल्यू में स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे होंगे वो अप्लाई कर दिए जाएंगे ओवर द जनरल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब जनरल प्रोविजन को अपन ध्यान में नहीं रखेंगे, किस चीज को देखेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कहां पर, ट्रीटी में, ट्रीटी में, ट्रीटी का मतलब क्या होता है डीटीडब्ल्यू, तो क्या होगा बेसिकली जो जनरल प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में वो अप्लाई कर दिए जाएंगे, इजी है। अच्छा, डीटीडब्ल्यू में क्या होता है, डीटीडब्ल्यू में जनरली ये बताया जाता है कि भाई इनकम पे टैक्स किस तरह से लगेगा। तो देखो क्या दे रखा है, जनरली द डीटीडब्ल्यू प्रोवाइड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स बिटवीन द रेसिडेंस एंड सोर्स स्टेट। तो फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूएसए में ये बताया जाएगा कि भाई इनकम किस तरह, किस रेट पे टैक्स होगी, किस रेट पे टैक्स होगी। कंपटीशन मैकेनिज्म, कंपटीशन मैकेनिज्म यूजुअली जो है डीटीडब्ल्यू में नहीं दिया जाता। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि भाई इनकम किस तरह से निकलेगी। तो मैंने पांच हेड पढ़ रखे ना, पीजीपी, सैलरी, कैप गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी और आईएफओएस। तो इनकम किस तरह से निकलेगी वो तो आपको डोमेस्टिक लॉ के अकॉर्डिंग देखना है, लेकिन इनकम के पे टैक्स कैसे लगेगा, इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा, कौन टैक्स लगेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो जो है बेसिकली डीटीडब्ल्यू में डिसाइडेड होगा। अच्छा, एक और चीज समझना, अपन ने क्या देखा है कि भाई डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स, डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स विच इज बेनिफिशियल किस पे लगता है, एसएससी पे लगता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट करवाने जा रहा हूं आपको मैं। एक फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, इधर अपन इसको पेन से लिख लेते हैं, एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है। फॉरेन कंपनी कहाँ की रेसिडेंट है, अपन अज्यूम करते हैं यूएसए की रेसिडेंट है, मैं इंडिया में बैठा हूँ। अच्छा, ये जो फॉरेन कंपनी है क्या करती है, इंडिया में आके कुछ बिजनेस करती है, ये फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में आके कुछ बिजनेस करती है। अच्छा, अगेन जो ये इनकम कमा रही है इस पर टैक्स कहाँ लग रहा है, यूएसए में भी लग रहा है और इंडिया में भी लग रहा है, इतनी कहानी सुनवाई। तो इंडिया और यूएसए के अंदर, इंडिया और यूएसए के बीच में क्या हो गया, एक डीटीडब्ल्यू एंटर कर दिया गया, इंडिया और यूएसए के बीच में डीटीडब्ल्यू एंटर कर दिया गया। इस डीटीडब्ल्यू में ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो फॉरेन कंपनी इनकम कमाएगी, जो फॉरेन कंपनी इनकम कमाएगी उस पर टैक्स कहाँ लगेगा, यूएसए में लगेगा, इंडिया टैक्स लेगी नहीं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि भाई जो ये फॉरेन कंपनी इंडिया में इनकम कमा रही है इस पे यूएसए टैक्स नहीं लेगी, कौन टैक्स लेगा, इंडिया टैक्स लेगी। दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है ना, तो मैं अज्यूम करते हैं कि भाई सेकंड वाला, सेकंड वाला जो है कहाँ पर लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है भाई जो फॉरेन कंपनी इंडिया में इनकम कमा रही है उस पर यूएसए वाली कंपनी, यूएसए वाली कंट्री टैक्स नहीं लेगी, कौन टैक्स लेगा, इंडिया वाली टैक्स लेगी। अच्छा, डीटीडब्ल्यू में एक और चीज लिख रखी है, डीटीडब्ल्यू में एक और चीज लिख रखी है कि भाई जो फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा कमा रही है उस पर जो है इंडिया में उसको 25% पे टैक्स पे करना है, उस पर इंडिया को 25% पे टैक्स पे करना है। या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जो फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा कमा रही है उस पर फॉरेन कंपनी को टैक्स पे करना है एट द रेट्स, एट द रेट्स एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी। अब मुझे एक चीज बताओ, इंडिया में कोई डोमेस्टिक कंपनी उस पर टैक्स रेट कितना लगता है, 25% और 30%, ठीक है। फॉरेन कंपनी में कितना लगता है, फॉरेन कंपनी भी लगता है 40%। अब मुझे एक चीज बताओ, इस फॉरेन कंपनी ने क्या करा है, इंडिया में इनकम कमाई है, डीटीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, डीटीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग टैक्स कितना लगना चाहिए, डीटीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग टैक्स लगना चाहिए 25% और 30%। ये हो गई बात डीटीडब्ल्यू की। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि भाई जो फॉरेन कंपनी ने इनकम कमाई उस पर टैक्स कितना लगेगा, 40% लगेगा। तो फॉरेन कंपनी की रेट क्या होती है, 40%। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, विच एवर इज बेनिफिशियल क्या होगा, विच एवर इज बेनिफिशियल हो जाएगा 25% और 30%। तो बेसिकली हो रहा क्या था कि भाई जो फॉरेन कंपनी है वो 25% और 30% क्लेम कर रही थी, और वो ये कह रही थी कि भाई डीटीडब्ल्यू में क्या लिख रखा है, डीटीडब्ल्यू में लिख रखा है 25% और 30% आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, मैं आपको वापस समराइज कर देता हूँ। फॉरेन कंपनी इंडिया में टैक्स कमा रही थी, इनकम टैक्स कहता है कि भाई फॉरेन कंपनी टैक्स पे करेगी 40%, डीटीडब्ल्यू कहता है कि भाई फॉरेन कंपनी को इंडिया में टैक्स पे करना है एट द रेट्स एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक कंपनी विच इज 25% एंड 30%। अब अपन ने क्या पढ़ रखा है कि भाई विच एवर इज बेनिफिशियल के प्रोविजन सकते हैं, प्रोविजन ऑफ डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स विच एवर इज बेनिफिशियल लगता है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो है फॉरेन कंपनी इंडिया में टैक्स पे करी थी 25% या 30% पे, इंडियन गवर्नमेंट को हर्ट हुआ बहुत ज्यादा। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि देखो हमने फॉरेन कंपनी के लिए प्रोविजन बनाया था 40%, लेकिन डीटीडब्ल्यू की वजह से क्या हो रहा है, DTW की वजह से बेसिकली ये जो है 25% या 30% में टैक्स पे कर रही है। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने एक अमेंडमेंट करा, और वो देखो अमेंडमेंट क्या दे रखा है, अपन अमेंडमेंट पढ़ते हैं। सरकार ने ये कहा कि भाई अगर 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 फॉरेन कंपनी पे हम 40% रेट लगा रहे हैं, फॉरेन कंपनी पे हम 40% रेट लगा रहे हैं, तो यही माना जाएगा कि भाई ये डोमेस्टिक कंपनी पे ही जो है क्या लग रही है, रेट लग रही है। वापस पढ़ना, चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी एट अ रेट हायर देन द रेट एट विच द डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल। जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो क्या दे रखा है, चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी एट अ रेट, बोले तो 40%, एट अ रेट हायर देन द रेट एट विच द डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल, बोले तो 25% या 30%, शेल नॉट बी, वेरी इंपॉर्टेंट, शेल नॉट बी रिकॉर्डेड
एज लेस फेवरेबल चार्ज और लेवाई ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरन कंपनी। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई डीटीडब्ल्यू कहता है 25% और 30% में टैक्स पे करना है। मतलब बेसिकली डीटीडब्ल्यू ये कह रहा है कि भाई फॉरन कंपनी को इंडिया में टैक्स पे करना है एट द रेट एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक कंपनी। मतलब बेसिकली डोमेस्टिक कंपनी से हम ज्यादा टैक्स पे, डोमेस्टिक कंपनी पे जो रेट लग रही है उस रेट से ज्यादा टैक्स हम नहीं ले सकते किससे, फॉरन कंपनी से। वापस सुनना, डीटीडब्ल्यू ये कहती है कि भाई, हाँ डीटीडब्ल्यू ये कहती है कि भाई मुझे जो है क्या करना है, फॉरन कंपनी को इंडिया में टैक्स पे करना है एट द रेट एट विच द डोमेस्टिक कंपनी पेस टैक्स। डीटीडब्ल्यू ये कहता है कि भाई जो फॉरन कंपनी है वो इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगी किससे ज्यादा, डोमेस्टिक कंपनी की रेट से ज्यादा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डोमेस्टिक कंपनी की रेट क्या है, 25% और 30%। तो डीटीडब्ल्यू ने ये कहा कि भाई फॉरन कंपनी 25% और 30% से ज्यादा टैक्स पे ही नहीं करेगी, ठीक है। तो डीटीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग 25% 30% आ गया। फॉरन कंपनी की इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में कितनी रेट लगती है, 40%। अच्छा हो क्या रहा था कि भाई फॉरन कंपनी वाले क्या कर रहे थे, 25% और 30% पे क्या कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट को हर्ट हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट ला दिया कि भाई अगर हम फॉरन कंपनी से 40% रेट चार्ज कर रहे हैं, अगर हम फॉरन कंपनी से 40% रेट चार्ज कर रहे हैं, इट शेल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरन कंपनी। मतलब ये नहीं माना जाएगा कि भाई हम उससे जो है ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। मतलब इंडियन कंपनी से हम कितना ले रहे हैं, 25% और 30%, फॉरन कंपनी से कितना ले रहे हैं, 40%। डीटीडब्ल्यू ये कहता है कि भाई फॉरन कंपनी से आप जो है 25% 30% से ज्यादा नहीं ले सकते। तो सरकार ने अमेंडमेंट ला दिया कि भाई अगर फॉरन कंपनी से हम 25% या 30% से ज्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम जो है फॉरन कंपनी से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। कहानी समझ में आ गई? तो हमने अमेंडमेंट ला के सरकार ने क्या क्लेरिफाई कर दिया, अमेंडमेंट ला दिया सरकार ने और ये कहा कि भाई अगर हम फॉरन कंपनी से क्या कर रहे हैं, अगर हम फॉरन कंपनी से क्या कर रहे हैं, बेसिकली 40% चार्ज कर रहे हैं, अगर हम फॉरन कंपनी से 40% चार्ज कर रहे हैं, इट शेल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज और लेवाई ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरन कंपनी, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट मैंने लॉजिकली पूरा समझा दिया कि भाई गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था। तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि भाई फॉरन कंपनी 25% और 30% पे टैक्स पे करे एज पर द प्रोविजंस ऑफ डीटीडब्ल्यू। तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला दिया ये वाला कि भाई अगर हम फॉरन कंपनी से चार्ज कर रहे हैं टैक्स एट अ रेट हायर देन द रेट एट विच द डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल, मतलब अगर मैं उसे 40% चार्ज कर रहा हूँ तो डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट हम उसको नहीं देंगे। मतलब इट शेल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज और लेवाई ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरन कंपनी। मतलब बेसिकली हम फॉरन कंपनी से कोई भी बायसनेस नहीं कर रहे हैं भले ही हम उससे 40% चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है ना शेल नॉट बी रिगार्डेड, ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी बट मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन, ईजी एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ जाना आप। तो इसका केस स्टडी बनकर क्वेश्चन आता है, इसका केस स्टडी बनकर क्वेश्चन आता है और उस केस स्टडी में आपको ये चीज बतानी पड़ती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई डिटेल में ये कह रहा था इनकम टैक्स ये कह रहा था, गवर्नमेंट को हर्ट हो रहा था, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, अमेंडमेंट ला दिया और गवर्नमेंट ये कहा कि भाई अगर हम फॉरन कंपनी से 40% भी चार्ज कर रहे हैं तो भी जो है बेसिकली हम उसको जो है ऐसा नहीं मानेंगे कि भाई हम उससे डोमेस्टिक कंपनी से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अच्छा अपने दो मेथड पढ़े, कौन कौन से दो मेथड पढ़े, एक तो पढ़ा एग्जिमिशन मेथड। तो एग्जिमिशन मेथड में क्या होता है कि भाई एक कंट्री जो है क्या करती है, टैक्स नहीं लेती है। टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है, टैक्स क्रेडिट मेथड में ये होता है कि भाई एक कंट्री में आपने जो टैक्स पे करा है उसका क्रेडिट आपको दूसरी कंट्री में मिल जाता है। इंडिया में फॉर एग्जांपल आपका टैक्स बना था 100 रुपये, आपने यूएस में टैक्स पे कर दिया 10 रुपये, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है ठीक है हम आपसे 90 रुपये लेंगे क्योंकि आपने 10 रुपये बाहर पे कर दिया है। अब जो है ये टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है वो अपन देखते हैं, आ जाओ। तो ये आ गया टैक्स क्रेडिट मेथड का मतलब फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो जो आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करा है उसको आपका क्रेडिट मिलेगा, उसको आपका उस पर जो है आपको क्रेडिट मिलेगा। अब देखो क्या दे रखा है, आपको जो है क्या अलाउ करा जाएगा, क्रेडिट अलाउ करा जाएगा। सो क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनकम इन द फॉरेन कंट्री अलाउ टू द रेसिडेंट व्हेन सच इनकम इज असेस्ड टू टैक्स इन इंडिया। तो इंडिया में अगर आप क्या हो, रेसिडेंट हो, इंडिया में अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको जो है क्या मिलेगा, टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, एफटीसी इज अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स सरचार्ज एंड सेस। तो आपको एक चीज पता है कि भाई इनका इंडिया में क्या होता है, टैक्स लगता है, टैक्स पे सरचार्ज लगता है, फिर उस पर क्या लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो इस अमाउंट पे आपको जो है क्रेडिट दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई आपकी पेनल्टी है, कोई आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट अंडर 234 एबीसी आपने पढ़ रखा है, इन सब पे आपको जो है फॉरन टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो एफटीसी इज अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स सरचार्ज एंड सेस पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, हाउएवर इट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेबल बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फी और पेनल्टी। तो जो आपको सरकार कह रही है कि भाई हम आपको टैक्स का क्रेडिट देंगे, इंडिया में जो आपको पेनल्टी पे करनी है, इंडिया में जो आपको इंटरेस्ट पे करना है या फिर इंडिया में कोई आपको फी पे करनी है, उसका उस पे से आपको जो है क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, सिंपल। अब सवाल आता है कि भाई क्रेडिट कैसे मिलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 100 रुपये की इनकम आपने जो है कहाँ पर कमाई, इधर अपन इसको साफ साफ लिख लेते हैं कि भाई आपने 100 रुपये की इनकम कमाई यूएसए में, ठीक है, 100 रुपये की इनकम कमाई आपने कहाँ पर, यूएसए में, आपने उधर टैक्स पे करा कितना, 10 रुपये का। जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो देखो मैं ये कह रहा था कि भाई आपने जो है क्या करा, 100 रुपये की इनकम कमाई यूएसए में, उधर आपने 10 रुपये का टैक्स पे करा। आप इंडिया के रेसिडेंट हो, आप क्या हो, इंडिया के रेसिडेंट हो, तो 100 रुपये आपकी इंडिया में भी टैक्सेबल हो गई। अच्छा इंडिया में आपका टैक्स बनता है 20 रुपये। अब सवाल आता है आपको क्रेडिट कितने का मिलेगा। तो सरकार ये कहती है कि भाई जितना टैक्स आपने पे करा है और इंडिया में जितना आपको टैक्स लग रहा है, विच एवर इज लोअर का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, आपको इंडिया में टैक्स पे करना है 20 रुपये का,
आपने यूएस में टैक्स पे करा कितना, 10 रुपए का, तो क्रेडिट कितना मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा 10 रुपए का। तो आपको इंडिया में क्या करना पड़ेगा, 20 माइनस 10, 10 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज समझना, आपने जो है क्या करा है, आपने जो है यूएसए में टैक्स पे करा है 30 रुपए का, आपने जो है यूएसए में टैक्स पे करा है 30 रुपए का, इंडिया में इस 100 रुपए की इनकम पे आपका टैक्स बन रहा है 20 रुपए, तो आपको इंडिया में क्रेडिट कितना मिलेगा, विच आर इज लोअर का जो है क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 30 और 20 विच आर इज लोअर, 20 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब 20 माइनस 20 क्या हो गया, 0। तो आपको इंडिया में जो है टैक्स पे करना है 0। इतनी कहानी समझ में आ गई। हाँ जी, तो इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो पढ़ो, क्रेडिट वुड बी लोअर ऑफ टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड फॉरन टैक्स पेड ऑन सच इनकम, मतलब विच आर इज लोअर का आपको जो है क्रेडिट दे दिया जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। एक और चीज देखना, मुझे एक चीज बताओ, आपने जो ये 30 रुपए का क्या करा था, टैक्स पे करा था, ये तो डॉलर में पे करा होगा ना। अच्छा, ये जो 20 रुपए का टैक्स आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, ये इंडियन रुपीज में आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, विच ऑफ लोगों का क्रेडिट देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉरन में टैक्स पे करा है इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी तो आप क्या कर सकते हो, तभी तो बेसिकली आप इसको जो है तभी तो इसको बेसिकली लेस कर सकते हो। तो जो भी आपने क्या करा है, जो भी आपने फॉरन में टैक्स पे करा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे फिर अपन देखेंगे कि भाई विच ऑफ लोअर क्या बैठ रहा है। अच्छा, आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सरकार ये कहती है कि भाई देखो, जो भी आपने फॉरेन टैक्स पे करा है फॉरेन कंट्री में, कैसे कन्वर्ट करोगे, शैल बी कन्वर्टेड एज टीटीबीआर, ठीक है, टीटीबीआर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच इट हैज बीन पेड और डिडक्टेड। सरकार कहती है कि भाई जिस भी मंथ आपने क्या करा है, टैक्स पे या डिडक्ट करा है, उसके पिछले महीने की लास्ट डेट पे टीटीबीआर क्या थी, उससे आप क्या करोगे, उससे जो है आप कन्वर्ट कर लोगे। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि भाई टीटीबीआर से करना है, टीटीएसआर से नहीं करना है। तो टीटीबीआर क्या होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑफ फॉरन करेंसी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अपन ने क्या करा था, टैक्स कन्वर्ट करा और टैक्स कन्वर्ट करके कितना आ गया, 30 रुपये आ गया। इंडिया में आपका टैक्स बन रहा है 20 रुपये, तो क्या मिलेगा आपको, 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 का क्रेडिट मिल जाएगा, इंडिया में टैक्स हो जाएगा 0। अच्छा, फॉरन में आपने टैक्स पे करा था 30 रुपये का, लेकिन इंडिया में क्रेडिट कितना मिला, बीच बीस का मिला, मतलब 20 रुपये का मिला। अच्छा, ये जो 10 रुपये एक्सेस, जो 10 रुपये आपने एक्सेस पे करा है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, वो उसको क्या करा जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो देखो वही दे रखा है कि भाई वे द फॉरन टैक्स पेड, जितना आपने पे करा है, कितना पे करा है आपने, 30 रुपये पे करा है, एग्जिट्स एग्जिट्स टैक्स पेबल इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द अग्रीमेंट फॉर रिलीफ और अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, विच मीन्स 20 रुपये, ठीक है, सच एक्सेस हैज टू बी इग्नोर। तो अपना जो 10 रुपये एक्सेस है उसको अपन क्या करेंगे, बेसिकली उसको अपन जो है इग्नोर कर देंगे। लॉजिकली कहानी समझ में आ गई। तो बेसिकली जो आपने करंट ईयर में क्या करा है, फॉरन कंट्री में एक्सेस टैक्स पे करा है, उसका आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, करंट ईयर में इग्नोर कर दिया जाएगा, सिंपल। अब एक और चीज समझना, अगर आपने क्या करा है, इनकम को ऑफर करा है, देखो, वेयर द इनकम ऑन विच द फॉरन टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड इज ऑफर टू टैक्स इन मोर देन 1 ईयर, ठीक है, द क्रेडिट शेल बी अलाउड अक्रॉस दोज ईयर्स इन द सेम प्रपोर्शन इन विच द इनकम इज ऑफर्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने करंट ईयर में यूएसए में करंट ईयर में इनकम कमाई थी 100 रुपये की। अच्छा, इंडिया में आपने क्या करा, 50 रुपये अपनी इनकम दिखाई और 50 रुपये अगले साल इनकम दिखाई। तो करंट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई यूएसए में आपने जो है 100 रुपये की इनकम कमाई थी, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो मैं क्या कह रहा था कि भाई आपने जो है यूएसए में 100 रुपये की इनकम कमाई, करंट ईयर में आपने 50 रुपये जो है सरकार को बोला कि भाई करंट ईयर की इनकम बनती 50 रुपये, नेक्स्ट ईयर की इनकम बनती कितनी, 50 रुपये। तो इंडिया में आपने क्या करा, उस इनकम को 2 साल में ऑफर करा, इंडिया में जो है आपने उस इनकम को 2 साल में ऑफर करा। सरकार ये कहती है कि जो आपने इस 100 रुपये पे टैक्स पे करा है, जो आपने ये क्या करा है, 100 रुपये पे टैक्स पे करा है, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन किस प्रपोर्शन में मिलेगा, जिस प्रपोर्शन में आपने अपनी इनकम दिखाई है इन द रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर। तो जो भी आपने टैक्स पे करा है, जो भी आपने टैक्स पे करा है, बेसिकली उसका आपको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई आपने किस प्रपोर्शन में इनकम को क्या करा है, किस प्रपोर्शन में जो है बेसिकली इनकम को ऑफर करा है। तो आप देखो कि भाई अपने 2 साल में 50-50%, अपने क्या करा है, 2 साल में 50-50% जो है इनकम ऑफर करी ना, तो जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए वो 50% इधर मिलेगा और 50% नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। आप और देखो क्या दे रखा है कि भाई जहां पर इनकम ऑन विच द फॉरन टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड, ठीक है, इज ऑफर्ड टू टैक्स इन मोर देन 1 ईयर, एक से ज्यादा साल में आपने क्या करा है, ऑफर करा है, द क्रेडिट ऑफ फॉरन टैक्स शैल बी अलाउड अक्रॉस दोज ईयर्स इन द सेम प्रपोर्शन इन विच द इनकम इज ऑफर्ड टू टैक्स इन इंडिया। इजी, तो अपना डीटीडब्ल्यू का पूरा सेक्शन हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, यूनिलेटरल रिलीफ की। तो अभी तक अपन ने क्या देखा था कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ रिलीफ दो तरह की होती है, बायलेटरल और यूनिलेटरल। बायलेटरल में अपन ने क्या देखा कि भाई डीटीडब्ल्यू एंटर कर दिया जाता है, उस अकॉर्डिंग आपको जो है क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है। अब अपन बात करते हैं यूनिलेटरल रिलीफ की। तो यूनिलेटरल रिलीफ में क्या होता है कि भाई मैंने किसी कंट्री के साथ क्या कर रखा है, डीटीडब्ल्यू नहीं कर रखा है, मैंने किसी कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू नहीं कर रखा है, तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट आपको क्या बोलती है कि भाई जितना भी टैक्स आपने क्या करा है, बाहर पे करा है, उसका हम आपको क्या करेंगे, उसका हम आपको जो है क्रेडिट दे देंगे। किस तरह से क्रेडिट देंगे वो अपन समझते हैं। अच्छा, कुछ कंडीशंस है, देखो क्या कंडीशंस है कि भाई एसएससी क्या है, रेसिडेंट है इंडिया में, एसएससी क्या है, इंडिया में रेसिडेंट है। किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा, फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेगा। तो एसएससी क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम इज टैक्सेबल। अच्छा, इनकम कहाँ उसने अर्न करी है, बाहर अर्न करी है। अच्छा, इनकम इंडिया में उसने अर्न नहीं करी है। अच्छा, इनकम इज सब्जेक्ट टू टैक्स इन द फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री पे टैक्स लगा है, उसने क्या करा है, टैक्स पे करा है, एसएससी हैज पेड टैक्स इन द फॉरेन कंट्री। और लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई डीटीडब्ल्यू हमने एंटर नहीं कर रखा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपने डीटीडब्ल्यू एंटर कर रखा होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में बायलेटरल रिलीफ के अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिल जाती।
तो अगर आपने DTW एंटर नहीं कर रखा तो अपन क्या करेंगे, यूनिलेटरल रिलीफ देंगे। और मैं एग्जाम में मेजर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, यूनिलेटरल रिलीफ से आते हैं। अच्छा अगर यूनिलेटरल रिलीफ है तो उस केस में आपको जो डिडक्शन किस तरह से दिया जाएगा, उसमें आपको जो है डेट किस तरह से दिया जाएगा वो देखो क्या दे रखा है। तो SSC शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्शन फ्रॉम द इंडियन इनकम टैक्स टेबल बाय हिम। कितना डिडक्शन मिलेगा देखो, तो यूनिलेटरल रिलीफ कितनी मिलेगी वो अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डब्ली टैक्स इनकम। डब्ली टैक्स इनकम का क्या मतलब है, डब्ली टैक्स इनकम का मतलब है कि भाई कौन सी ऐसी इनकम है जिसपे इंडिया में भी टैक्स लग रहा है और बाहर भी टैक्स लग रहा है। तो देखो 100 रुपये की आपने इनकम कमाई थी, यूएसए में भी आप उस पर टैक्स पे कर रहे हो। अच्छा इंडिया में भी आपके क्या हो रहा है, 100 रुपये टैक्सेबल हो रहा है। तो 100 रुपये भी क्या हो रहा है, यूएसए में भी आप टैक्स पे कर रहे हो, इंडिया में भी टैक्स पे कर रहे हो। तो क्या होगा, 100 रुपये से 100 रुपये भी आपको जो है 100 रुपये पे आपको रिलीफ दी जाएगी। किस रेट से रिलीफ मिलेगी, देखो अपन ये देखेंगे कि भाई आपने जो है यूएसए में, जो यूएसए में है उसमें किस रेट से टैक्स पे करा था और इंडिया में किस रेट से टैक्स लग रहा है। विचवर इज लोअर का क्या मिल जाएगा आपको, विचवर इज लोअर का आपको जो डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो इंडिया में जो आप टैक्स निकालते हो, इंडिया में टैक्स निकालते हो, कैसे निकालते हो, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये क्या निकल के आया, आपका टैक्स निकल के आया। इस टैक्स अमाउंट को डिवाइड करोगे किससे, आपकी टोटल इनकम से, आपको क्या मिलेगी, रेट मिलेगी। तो आपने इंडिया में इस इफेक्टिव रेट से क्या करा है, टैक्स पे करा है, ये आपको क्या मिल गई, इंडिया की रेट मिल गई। यूएसए में आपने किस रेट से टैक्स पे करा है वो आपको दे रखा होगा, अदरवाइज आप कैसे निकालोगे, टैक्स डिवाइड बाई इनकम इंटू 100। आपको दोनों की रेट मिल जाएगी कि भाई यूएसए में मैंने इस रेट से टैक्स पे करा है, इंडिया में मैंने इस रेट से टैक्स पे करा है। विच इज लोअर का आपको जो है क्या दे दिया जाएगा, डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, डब्ल्यू टैक्स इनकम इंटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स इंटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स इन पेड इन फॉरेन कंट्री विच एवर इज लोअर, देखो विच एवर इज लोअर, ठीक है। और अगर दोनों रेट क्या है, इक्वल है, तो किस रेट से मिल जाएगा, इंडियन रेट से आपको टैक्स, इंडियन रेट से आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा, सिंपल है ना। तो जहां पर DTW एंटर हो रखा है, जहां पर आपका क्या हो रखा है, DTW एंटर हो रखा है, उस केस में अपन क्या देखते हैं कि भाई आपने फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स पे करा था, इंडियन कंट्री में आपकी उस इनकम पे कितना टैक्स लग रहा है, विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा हमने क्या देखा, यूनिलेटरल रिलीफ में क्या होता है, यूनिलेटरल रिलीफ में आपकी जो भी डब्ल्यू टैक्स इनकम है, जिस इनकम पे क्या लग रहा है, दो बार टैक्स लग रहा है, मतलब यूएसए में भी टैक्स लग रहा है और इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, मतलब डबल टैक्सेशन हो रहा है, उस इनकम को पकड़ लो, फिर इंटू क्या करेंगे, इंटू ओपन करेंगे रेट ऑफ टैक्स। अब रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि भाई इंडिया में आपने किस रेट से टैक्स पे करा है, यूएसए में आपने किस रेट से टैक्स पे करा था, विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। विच एवर इज लोअर का बेसिकली आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो इंडिया में इंडियन रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलेगी, इंडियन रेट ऑफ टैक्स अपन को निकालना आता है, कैसे निकालेंगे अपन, जो भी आपकी टोटल इनकम आ रही है उससे आप टैक्स निकालो, सरचार्ज निकालो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालो, आपका क्या क्या टोटल टैक्स आ गया। अच्छा इस टोटल टैक्स को आपकी टोटल इनकम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स मिल जाएगा। उसको कंपेयर करोगे किससे कि भाई आपने फॉरेन कंट्री में कितना रेट पे टैक्स पे करा है, विचवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा, वेरी इजी। तो अपना DTW पूरा क्लियर हो गया, डिटेल में दो चीजें हैं, अब एक तो क्या है बायलेटरल रिलीफ और एक है यूनिलेटरल रिलीफ। अब एक देखो क्या दे रखा है, BPO का कॉन्सेप्ट देखते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट। अच्छा एक नॉन रेसिडेंट एंटिटी अपन अज्यूम करते हैं क्या, एप्पल, ठीक है एप्पल की कंपनी है, उसने क्या करा है किसी रेसिडेंट इंडियन एंटिटी को कोई सर्विसेज आउटसोर्स कर रखी है। देखो NR एंटिटी में आउटसोर्स सर्टेन सर्विसेज टू रेसिडेंट इंडियन एंटिटी, तो हो सकता है कि भाई कुछ बिजनेस फंक्शंस एप्पल की कंपनी ने क्या कर रखे हैं, इंडिया में कोई कंपनी होगी उसको आउटसोर्स कर रखे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इफ देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो जो इंडिया में बेसिकली आउटसोर्सिंग सर्विसेज दे रही है उसको इनकम हो रही होगी। अच्छा वो इंडिया में क्या करेगी, नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर देगी जैसे उस पर लगता है। तो अगर कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू, रेसिडेंट एंटिटी वो जो है NR एंटिटी की PE नहीं मानी जाएगी। PE क्यों नहीं मानी जाएगी, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो रेसिडेंट एंटिटी इंडिया में आउटसोर्सिंग सर्विसेज दे रही है वो इंडिपेंडेंटली दे रही है, किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है किससे, नॉन रेसिडेंट से। अच्छा एंड रेसिडेंट एंटिटी वुड हैव टू बी असेस्ड टू इनकम टैक्स एज अ सेपरेट एंटिटी, तो जो रेसिडेंट एंटिटी इनकम कमा रही है उस पर जो है वो नॉर्मली टैक्स पे कर देगी, ठीक है। इन सच अ केस NR एंटिटी विल नॉट बी लाइबल टू इनकम टैक्स एक्ट। तो बेसिकली हम क्या मानेंगे कि जो भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज कौन दे रहा है, ये आउटसोर्सिंग यूनिट दे रही है जो रेसिडेंट इन इंडिया है, वो उसकी NR की PE नहीं है, तो बेसिकली ये टैक्स पे कर देगी, तो NR को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, अगर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिली हुई है, कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि इंडियन एंटिटी क्या है, PE ऑफ NR। तो PE का कंसेप्ट आपको पता है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, वेयरहाउस हो गया। तो अगर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या मानेंगे कि जो इंडियन एंटिटी BPO सर्विसेज दे रही है वो क्या है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट NR की। अच्छा अपन ये देख रखा है NR का टैक्सेशन पूरा अच्छी तरह अपन ने समझा था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आप क्या मान लेते हो, PE मान लेते हो, अगर आपने क्या मान लिया, उसको PE मान लिया, तो NR को क्या करना पड़ेगा, NR को जो है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि कहानी समझ में आ गई। अच्छा मैंने आपको वापस उधर भी बताया था NR टैक्सेशन में, NR टैक्सेशन में बताया था कि भाई DTW क्या कहता है, DTW ये कहता है कि भाई अगर आपका जो है फॉरेन कंपनी की इंडिया में PE है तो जो है उसको टैक्स पे करना जरूर टैक्स पे करना है, अगर PE नहीं है तो फॉरेन कंट्री को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर DTW एंटर कर रखा है दो कंट्रीज के बीच में, अगर आपने DTW एंटर कर रखा है दो कंट्रीज के बीच में, तो एक फॉरेन कंपनी को इंडिया में टैक्स पे करना है अगर ओनली उसका इंडिया में क्या है, PE है, PE नहीं है तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा डिटेल पे आपने एंटर नहीं कर रखा, तो उस केस में क्या चेक करते हैं? उस केस में अपन चेक करते हैं कि भाई फॉरेन कंपनी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं है। अगर बिजनेस कनेक्शन है तो उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, कैसे एस्टैब्लिश होता है, वो अपन ने एनआर टैक्सेशन बहुत डेप्थ में समझ रखा था, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसको, राइट। तो अपना देखो डिटेल में पूरा 2 पेज में समराइज हो गया, ठीक है, डिटेल में पूरा 2 पेज में अपन ने समराइज कर दिया। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, एडवांस रूलिंग। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडवांस रूलिंग। देखो एडवांस रूलिंग का कंसेप्ट क्या है वो अपन समझते हैं, एडवांस रूलिंग का कंसेप्ट क्या है वो अपन समझते हैं। मैं रोहन हूँ, ठीक है, मैंने किसी एनआर के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, मैं रोहन गर्ग हूँ, मैंने किसी एनआर नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन करना है। अच्छा मुझे एक चीज बताया कि मैं कोई ट्रांजेक्शन करूंगा, ठीक है, सरकार मेरा असेसमेंट खोल लेगी, फालतू मुझे परेशान करेगी। मैं सरकार के पास पहले हाथ जोड़ के पहुंच गया कि हे प्रभु आप एडवांस में अपने क्या करो डिसीजन दे दो। अच्छा आप क्या बोलोगे एनआर, आप जो है सरकार को क्या बोलोगे कि देखो मैं एनआर के साथ ये ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, आप ही मुझे बता दो कैसे ट्रांजेक्शन करना है, इसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी, जो आप बोलोगे मैं उसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन कर लूंगा, टैक्स वैक्स पे कर दूंगा, ताकि बाद में आप जो है मुझे परेशान ना करो असेसमेंट खोल के। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडवांस में ट्रांजेक्शन करने से पहले क्या कर रहे हैं, रूलिंग ले रहे हैं किसकी, सरकार की, ताकि सरकार बाद में जिक जिक ना करे। तो एडवांस रूलिंग देने के लिए, एडवांस रूलिंग देने के लिए एक बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बना है। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग इज कंस्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा वैकेंसी और डिफेक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीएआर शैल नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स। तो ये लॉ का मैटर है, आप इसको भूल जाओ। अपन ने क्या देखा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या बनाएगी, एक बोर्ड बनाएगी फॉर एडवांस रूलिंग, जो क्या करेगी एडवांस रूलिंग देगी किसको, एसएससी को। अगर बीएआर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी प्रोसीडिंग क्या हो गई, इनवैलिडेट हो गई, तो वो प्रोसीडिंग अभी भी कंटिन्यू चलेगी। तो फॉर एग्जांपल बीएआर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि भाई एक मेंबर का टर्म, एक मेंबर का टर्म 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा हो सकता है कि भाई करंट ईयर में उस मेंबर का टर्म 6 साल हो गया है, अच्छा 6 साल हो गया, फिर भी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ने उसको जो है हटाया नहीं है। इतनी कहानी सुन आ गई, तो मतलब क्या है, डिफेक्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सो बी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसने जो भी रूलिंग दी वो इनवैलिडेट हो गई, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है, वैकेंसी या डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग शैल नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग। अच्छा एडवांस रूलिंग कौन कौन ले सकता है, देखो एनआर नॉन रेसिडेंट खुद आके बोल सकता है, किसको, नॉन रेसिडेंट खुद आके बोल सकता है, बार को। अच्छा बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, बार। तो नॉन रेसिडेंट जो है खुद बार के पास जाएगा और बोलेगा कि देखो मैं ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ, आप मुझे खुद ही बता दो कि भाई आपकी रूलिंग क्या है। तो एनआर क्या कर सकता है, एनआर जो है एडवांस रूलिंग ले सकता है फॉर द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम, ठीक है। तो एडवांस रूलिंग का मतलब है डिटर्मिनेशन बाय द एएआर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, डिटर्मिनेशन बाय अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम। तो एनआर बोलेगा किसको, एनआर जो है बार के पास जाएगा, बोलेगा कि हे प्रभु आप मुझे पहले से रूलिंग दे दो, ताकि बाद में आप जो है झिकझिक ना करो, बाद में मुझे परेशान ना करो, आप जो बोलोगे उस अकॉर्डिंग मैं टैक्स वैक्स पे कर दूंगा। अच्छा देखो रेसिडेंट जो जा सकता है किसके पास, बार के पास जा सकता है, रेसिडेंट बार के पास जा सकता है और बोल सकता है कि भाई आप जो है मुझे एनआर की टैक्स लाइबिलिटी बता दो, एनआर की जो भी टैक्स लाइबिलिटी वो बता दो, ताकि मैं अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट कर दूं। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा टीडीएस डिडक्ट कर दिया तो आप बाद में जो है मेरा असेसमेंट खोलोगे, मुझे परेशान करोगे। तो रेसिडेंट बार के पास जा सकता है किस चीज के लिए, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनआर अराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और इज सपोज टू बी अंडरटेकन बाय द रेसिडेंट एप्लीकेशन, रेसिडेंट एप्लीकेंट विद सच एनआर। अच्छा एंड सच डिटर्मिनेशन शैल इनक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, अपन ने असेसमेंट प्रोसीजर में बहुत अच्छी तरह रिवाइज करा था। इसी तरह से देखो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कोई भी बार के पास जा सकता है, ये देखने के लिए कि क्या कोई अग्रीमेंट, क्या कोई अरेंजमेंट आईएए है क्या। ये भी मैंने आपको गार के रिवीजन अच्छे से करा रखा है कि भाई आईएए क्या होता है, बहुत डेप्थ में समझा था अपन ने, बहुत ज्यादा डेप्थ में, तो आप गार का रिवीजन देख सकते हो, 1 घंटे का है। इसी तरह से कोई रेसिडेंट, देखो इसी तरह से कोई रेसिडेंट वापस जा सकता है किसके पास, रेसिडेंट जा सकता है बार के पास इन रिलेशन टू हिज टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ वन और मोर ट्रांजेक्शन वैल्यूइंग 100 करोड़ और मोर। तो अगर रेसिडेंट, रेसिडेंट कहाँ जा रहा है इस केस में, बार के पास जा रहा है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन की वो टैक्स लाइबिलिटी निकलवाना चाह रहा है उसकी एग्रीगेट वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा है। तो देखो इस केस में एनआर खुद की टैक्स लाइबिलिटी के लिए गया था, इस केस में रेसिडेंट किसके लिए गया था, एनआर की टैक्स लाइबिलिटी के लिए गया था, इधर रेसिडेंट खुद की टैक्स लाइबिलिटी के लिए जा रहा है कि भाई मैं ये ट्रांजेक्शन सेंटर करने जा रहा हूँ, आप मुझे बता दो इसका टैक्स क्या बनता है, बाद में आप जो है मेरा क्या करोगे असेसमेंट करोगे, फालतू मुझे परेशान करोगे। तो इस केस में रेसिडेंट अपनी टैक्स लाइबिलिटी के लिए, अपनी टैक्स लाइबिलिटी जानने के लिए किसके पास जा रहा है, बार के पास जा रहा है, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई आप तभी जा सकते हो जब आपकी वैल्यू ट्रांजेक्शन की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू एटलीस्ट 100 करोड़ है। देखो क्या रखा है, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रेसिडेंट, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रेसिडेंट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द रेसिडेंट एप्लीकेशन विद द एनआर। मतलब रेसिडेंट खुद की टैक्स लाइबिलिटी के लिए किसके पास जा रहा है, और बार के पास जा रहा है। वही अगेन सच डिटर्मिनेशन शैल इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मतलब बेसिकली बार क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों को चेक करके या फिर दोनों पे डिसीजन दे सकती है। इसी तरह से कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, क्या है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो किसके पास जा रही है, वो बेसिकली जा रही है बार के पास। अच्छा वो बार के पास जा रही है, बोल रही है कि भाई आप जो है हमें क्या करो, आप जो है हमें अपना डिसीजन बता दो। अच्छा देखो क्या देखा है, इशू रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम,
विच इज पेंडिंग बिफोर आईटेट, इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर अपलेट ट्रिब्यूनल। तो आईटेट क्या हो गया, अपलेट ट्रिब्यूनल हो गया, और इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या होती है, बहुत सारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती है जो अपन ने कहां पर देखा था, इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले चैप्टर के रिविजन में देखा था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो पीएसयू, पीएसयू बेसिकली किसके पास जाएगी, पीएसयू बेसिकली बार के पास जाएगी और बार को बोलेगी कि हे प्रभु आप अपना फटाफट डिसीजन दो, मेरी जो प्रोसीडिंग है वो किसके पास पेंडिंग है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, आईटेट के पास पेंडिंग है, लेकिन सारे वो अभी तक डिसीजन दे ही नहीं रहे हैं, तो आप फटाफट डिसीजन दो, मैं सरकारी कंपनी हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, ठीक है। तो देखो अगर पीएसयू बार के पास जा रही है तो किस इशू के लिए जा सकती है, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो पेंडिंग है बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर अपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एंड सच डिटर्मिनेशन शैल इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इजी है। तो देखो अभी तक अपने क्या देखा, अभी तक अपने ये देखा कि भाई कौन कौन से एप्लीकेंट बार के पास कब कब जा सकता है। अच्छा देखो नीचे क्या दे रखा है कि भाई अगर एक बार रेसिडेंट एप्लीकेंट ने क्या करा, एप्लीकेशन फाइल कर दी किसको, बार को, तो वेरा रेसिडेंट एप्लीकेंट हैज मेड द एप्लीकेशन टू बार इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू, देन नो इनकम टैक्स अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल शैल टेक एनी डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू सच इशू। का मतलब क्या, देखो रेसिडेंट ने क्या करा, एप्लीकेशन फाइल कर दी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को कि हे प्रभु आप क्या करो एडवांस में रूलिंग दे दो। अच्छा रूलिंग देते समय थोड़ा समय निकल गया, 3-4 महीने निकल गए, बीच में क्या करा, बीच में जो है एसेसिंग ऑफिसर ने आपका जो है असेसमेंट खोल दिया। तो सरकार ये कहती है कि भाई अगर रेसिडेंट एप्लीकेशन ने क्या करा, एप्लीकेंट ने क्या कर रखा है, एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है ना ये डिसीजन नहीं दे सकती जब तक कि बार का डिसीजन नहीं आ जाता। सो अगर रेसिडेंट एप्लीकेशन ने क्या करा, रेसिडेंट एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल करी है बार को इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू, देन नो इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल शैल टेक एनी डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इशूज। तो बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल उन इशूज पर डिसीजन नहीं ले सकती। अच्छा डिसीजन कब लेगी, जब बार का डिसीजन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो भी रेसेंट एप्लीकेशन क्या कर रहा है, रेसेंट एप्लीकेंट या फिर नॉन रेसेंट एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहा है किसको, बार को, तो उसको फीस देनी पड़ेगी। तो देखो क्या देखा है, फर्स्ट थ्री एप्लीकेंट, फर्स्ट थ्री बोले तो ये रहे नॉन रेसेंट, रेसेंट या फिर रेसेंट, ठीक है। तो फर्स्ट थ्री एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे सकते हैं लेकिन फीस देनी पड़ेगी 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। 2 लाख कब देनी है, जब अमाउंट ऑफ वन ऑफ मोर ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन टू और प्रपोज टू बी अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ रूलिंग इज अप टू 100 करोड़, ठीक है। तो जो आपने ट्रांजेक्शन कर रखे हैं उसकी वैल्यू अगर 100 करोड़ तक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लाख तक की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो छोटे मोटे केस में बार चीज़ें एंटरटेन नहीं करेगी, सरकार ये कहती है कि भाई बड़े बड़े केसेस लेके आओ, छोटे मोटे चिल्लर केस काम क्या करेंगे। अच्छा इस तरह से अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू 100 करोड़ से आता है अप टू 300 करोड़ है तो आपकी फीस लगेगी 5 करोड़, और ट्रांजेक्शन की वैल्यू 300 करोड़ से आता है तो आपकी फीस लगेगी 10 लाख रुपये। अच्छा फर्स्ट थ्री एप्लीकेंट अपने छोड़ दिए, बोले तो इन तीन एप्लीकेंट के अलावा अगर ये दो क्या कर रहे हैं, बेसिकली एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है आपको फीस देनी पड़ेगी कितने की, उस केस में आपको जो है 10 हज़ार की फीस देनी पड़ेगी। अच्छा आपने एप्लीकेशन फाइल करी किसको, बार को, फॉर एडवांस लिंग, आप जो है विदिन 30 डेज उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। तो एप्लीकेंट मे विड्रॉ द एप्लीकेशन विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, पर ध्यान रखना इस केस में आपको जो है फीस रिफंड नहीं करी जाएगी, इस केस में जो है आपको फीस रिफंड नहीं करी जाएगी। अब देखो क्या रखा है कि जो बोर्ड है, बार है, बार को क्या करना पड़ेगा, विदिन 6 मंथ अपना डिसीजन देना पड़ेगा। सो विदिन 6 मंथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अपना डिसीजन देना पड़ेगा। अच्छा अगर आपने क्या करा, एडवांस रूलिंग ले ली और फ्रॉड से ली है, तो वेदर एडवांस रूलिंग प्रनाउंस्ड हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेंट बाय फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपने क्या करा, सरकार को टोपी बना के क्या कर ली, एडवांस रूलिंग ले ली, तो सरकार बाद में क्या करेगी, जो भी रूलिंग थी उसको वॉइड ऑफ इनिशियो कर देगी। सो बोर्ड में बाय ऑर्डर डिक्लेयर सच रूलिंग टू बी वॉइड ऑफ इनिशियो, सरकार ये कहेगी कि देखो आपने हमें टोपी बनाई थी और टोपी बना के क्या करा था, डिसीजन ले लिया था, तो हम क्या करते हैं इस डिसीजन को वॉइड ऑफ इनिशियो कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजंस आप पे लगेंगे। तो पहले क्या हो रहा था कि बार ने डिसीजन दिया था, मैंने सरकार को बोला कि देखो हम आपके डिसीजन को फॉलो करेंगे, आप जो है हमें बाद में परेशान मत करना। अच्छा सरकार को बाद में पता चला कि भाई सरकार को अपनी टोपी बना दी थी, सरकार ने कहा हम इसको क्या करते हैं वॉइड ऑफ इनिशियो कर देते हैं, अब जो नॉर्मल प्रोविजन आप पे लगने चाहिए थे वही लगेंगे। तो देखो क्या रखा है, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होंगे टू द एप्लीकेंट एज इफ द एडवांस रूलिंग हैज नेवर बीन मेड। अच्छा आपको एक चीज पता होगी कि भाई असेसमेंट खोलने के टाइम लिमिट्स होते हैं, असेसमेंट खोलने की क्या होती है, टाइम लिमिट्स होती है, असेसमेंट खोलने की बेसिकली टाइम लिमिट्स होती है, राइट। तो अपने कहाँ पढ़ रखे थे, 143 सबसेक्शन 3 में पढ़े थे, 144 में बताए, 147 में पढ़े थे, राइट। तो असेसमेंट खोलने की कोई टाइम लिमिट होती है, नोटिस देने की कोई टाइम लिमिट होती है। अच्छा आपने क्या ले लिया था, बार ले लिया था आपने जो है बेसिकली बार बार ले लिया था, तो उस केस में क्या हुआ, टाइम लिमिट निकल गई। तो सरकार कहती है जिस दिन से आपने एडवांस रूलिंग ली थी से लेके जिस दिन तक डेट ऑफ ऑर्डर आया डिक्लेयरिंग द एडवांस रूलिंग इज वॉइड ऑफ इनिशियो, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब इतना टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा किसको, एसेसिंग ऑफिसर को, ताकि वो क्या कर सके, इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस लगा के आपका असेसमेंट खोल सके। इजी है, तो देखो क्या देखा है, प्रोविजंस ऑफ नॉर्मल इनकम टैक्स वुड अप्लाई टू द एप्लीकेंट एज इफ द एडवांस रूलिंग हैड नेवर बीन मेड। अच्छा और अप्लाई होंगे आफ्टर एक्सक्लूडिंग द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सच एडवांस रूलिंग एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ सच ऑर्डर विद द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। इजी है। अच्छा एक और चीज समझना, बीएआर ने क्या करा, एडवांस रूलिंग फाइल कर दी,
एडवांस रूलिंग पास कर दी, आपको लगता है कि भाई इसने गड़बड़ पास करी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो हाई कोर्ट को। ध्यान रखना, तो अगर बार ने क्या करा है, अपना डिसीजन दे दिया, तो उसको उसकी अपील कहाँ जाएगी, उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट को। और कब तक जाएगी, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, विद इन 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट रूलिंग। और हाई कोर्ट क्या कर सकता है, बेसिकली आपको एडिशनल 30 डेज दे सकता है फॉर सफिशियंट रीजन। तो अगर बेसिकली बार ने अपना डिसीजन दिया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट को, डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। और कब तक जा सकते हो, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट ऑर्डर। ठीक है, तो जिस दिन आपको बेसिकली कम्युनिकेट कर दिया गया था, उसके विद इन 30 डेज, उसके विद इन 60 डेज, उसके विद इन 60 डेज आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। और हाई कोर्ट आपको एडिशनल 30 डेज दे सकता है अगर आपका सफिशियंट रीजन थे। तो लास्ट टॉपिक देखना, आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करी जाएगी। तो ये देखो क्या दे रखा है कि जो बार है वो आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा अगर आपका केस कहाँ पेंडिंग है, किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, किसी अपलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, या फिर किसी कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो, अब जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस दिन आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर आईटेट के पास पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपने एक बार एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसके बाद जाके आपका केस पेंडिंग हो गया तो अलाउ कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हम ये देख रहे हैं, जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस दिन आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, उस दिन बेसिकली आपका जो है केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यदि कहानी समझ में आ गई, उस दिन आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो नीचे अपन ने देखो क्या देखा था कि भाई अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसके बाद आपका केस कहाँ पेंडिंग हो गया, उसका केस आपका पेंडिंग हो गया इनकम टैक्स अथॉरिटी पे या फिर आईटेट पे, तो बेसिकली ये डिसीजन नहीं दे सकते जब तक कि बार का डिसीजन नहीं आ जाता। तो ये कब केस हो रहा था, जब आपने जो है, जब बेसिकली आपका केस पेंडिंग था बिफोर दीज पर्सन, आफ्टर आफ्टर द एप्लीकेशन डेट। बस आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस दिन आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है कि भाई आपका केस पेंडिंग तो है ना, ये लोग डिसीजन दे देंगे, आप हमारा समय खराब मत करो। लेकिन अगर आपका डिसीजन पेंडिंग नहीं है, अगर आपका केस पेंडिंग है, तो आप हमारे पास आ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, पीएसयू के केस में सरकार ये कहती है, पीएसयू के केस में सरकार ये कहती है कि भाई आप जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो उसी समय या फिर उसी दिन जब आपका केस क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई आपकी जो बार है वो एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगी, बार बेसिकली आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगी अगर आपका केस पेंडिंग है कहाँ पर, अगर बेसिकली आपका केस पेंडिंग है बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट, तो बेसिकली जो बार है वो आपका एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगी। लेकिन पीएससी के केस में अपने क्या पढ़ रखा है, अगर आप इधर देखोगे तो पीएससी के केस में हमने ये पढ़ रखा है कि भाई वो एप्लीकेशन कब फाइल कर सकता है, अगर उसका इशू कहाँ पर पेंडिंग है, आईटेट या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी। मतलब बेसिकली पीएससी क्या है, एक्सेप्शन है। तो पीएससी का केस अगर कहाँ पेंडिंग है, इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, तभी वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पीएससी का केस किसी कोर्ट में पेंडिंग है, अगर किसी पीएससी का केस किसी कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका केस जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस दिन इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटेट या कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। पीएससी केस में हमने ये देखा है कि अगर आपका केस कोर्ट के पास पेंडिंग है तो आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी, अगर आपका केस कहाँ है, इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। जो अपने कहाँ पे देखा था, जो अपने बेसिकली इधर भी देख लिया था, देखो ये रहा, केस पेंडिंग बिफोर आईटेट या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी, इजी। अब देखो क्या रखा है, और बार आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा, बार आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा अगर इट इन्वॉल्व्स द डिटरमिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू के लिए आप जो है बार के पास नहीं जा सकते, या फिर ट्रांजेक्शन डिजाइन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें आप क्या कर रहे हो, बेसिकली टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए भी बार जो है एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगी, एक्सेप्ट प्रपोज्ड IAA इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो अपन ये देखा था ना कि भाई IAA के लिए तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। देखो ये रहा इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, तो RINR कोई अरेंजमेंट IAA है कि नहीं है, उसके लिए जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई बोर एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा अगर आपका केस पेंडिंग है, या इन्वॉल्व डिटरमिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर ट्रांजेक्शन विच आर डिजाइन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, एक्सेप्ट प्रपोज IAA। तो फाइनली अपना जो है पूरा एडवांस रूलिंग भी खत्म हो गया, दो पेज अपना एडवांस रूलिंग पूरा समराइज कर दिया। इसके अलावा आपसे कुछ भी और नहीं पूछ सकता, आईसीएमएट भी इसके अलावा कुछ और नहीं दे रखा, DW अपना पूरा हो गया। मैं आपको बता दिया कि भाई अगर 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 आपको जो है मेरे नोट्स चाहिए, इतने प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, और आपको हार्ड कॉपी खरीदनी है तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से ही परचेज कर सकते हो। तो देखो मैंने अभी तक आपको क्या करा रखा है, DW का रिवीजन करा दिया, इसको मैं इधर से ले रहा हूँ, DW का रिवीजन करा दिया, एडवांस रूलिंग करा दिया, ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन मैंने जो है चैप्टर वो अपने लेक्चर्स में डाल रखा है। इसके अलावा ऊपर आ जाते हैं अपन, बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन हो चुका है, PGP का हो चुका है, कैबिनेट का मैंने रिवीजन डाल दिया है, IFOS का मैंने रिवीजन डाल दिया है, इतने अपने रिवीजन हो चुके हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज का हो चुका है, असेसमेंट प्रोसीजर का हो चुका है, अपील्स एंड रिवीजन का हो चुका है। तो इतने अपने रिवीजन हो चुके हैं, मैंने जो है इतने सारे रिवीजन मेन जो चैप्टर्स थे अभी तक मैंने सारे कवर करा दिए रिवीजन वीडियोस में। आप जो बिल्कुल चेकआउट करना, गारंटेड जो है आप अगर रिवीजन वीडियोस को देखते हो, गारंटेड एग्जाम में पास हो जाओगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ में क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब अपने अटेम्प्ट में CA बने, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलराइट गाइस।